जय जगन्नाथ। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो है, क्या देख रहे हो फ्रेंड्स आप? फ्रिज। हाँ, आप सोच रहे होगे कि मैंने तो फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है, तो मैं अभी फिर से क्यों फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन लेके आई हूँ? फ्रेंड्स, थंबनेल में देखा है आपने क्या लिखा है? फूड आइटम्स न्यू थिंग्स के साथ और न्यू अंदाज के साथ और नया फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन ला चुकी हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो, ये है मेरे पूरे फ्रिज आइटम्स। मैं ये पूरा फ्रिज का आइटम्स इस किचन में फिट करूंगी। हाँ फ्रेंड्स, तो अब देख लो, ये यहाँ पे साइड में मेरा फ्रिज मतलब किचन और साइड में यहाँ पे मेरा फ्रिज, तो इसका भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने कर रखा है, तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, क्लिक करके देख लीजिए। ओके, और इसका मैंने पहला वाला भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पर उससे बहुत ही बेटर, क्योंकि उधर ना मैंने कुछ भी अच्छे से नहीं रखा था, अगर मैं सच बोलूँ एक्चुअली। बट उसका जो व्यूज़ आया था वो बहुत अच्छा आया था, मुझे बहुत हैप्पी हुआ, और आई होप कि इस वीडियो में भी अच्छा व्यूज़ आए। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्या रखा है बताऊँ? कोई भी थिंग्स मैंने ऐसे बाहर नहीं रखा है, ऐसे अच्छे से बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रखा है, जैसे मम्मी रखती है ना, मम्मी भी ऐसे करती है, हर चीज़ ऐसे बॉक्स में किचन में रखती है। तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं मेरे किचन में अच्छे से रखूँ। फ्रेंड्स, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, मैं तो बहुत बक 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 कर रही हूँ, ब्ला 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 कर रही हूँ, तो चलो अब मैं किचन को मतलब फ्रिज को सजाती हूँ। ओके, तो ये है हमारा ऊपर का चैम्बर, तो ये देखो मैं अभी इसे ओपन करती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने क्या किया था, थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल कट करके लगा दिया था। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे वेलक्रोम लगाया था, पर अच्छे से नहीं रहा था, इसलिए हमने बाद में मैग्नेट लगा दिया। देखो, तो मैग्नेट मैंने बहुत बार यूज़ भी किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या रखेंगे इसके अंदर वो देख लेते हैं। तो पहले मैं रखूँगी इसके अंदर ये हमारा कपकेक्स। तो मेरे पास बहुत सारे स्वीट्स थे देखो, और ये देखो ये भी एक कपकेक ही है, ये देखो। पर मैं इसको मेरे आइस चैम्बर में नहीं रखूँगी, बिकॉज ये थोड़े से हमारे मफिन्स है, कपकेक्स ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा छोटा, तो मैं फ्रिजर के अंदर नहीं रखूँगी। ये देखो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो बॉक्स अच्छा है ना, पिंक और मैंने ब्लू थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में लाया, मैं कल भी कुछ चीज़ शॉप करके लाई थी। अब मैं इसको रख देती हूँ। ये तो मैंने पहले से रख ली, क्योंकि पहले मैंने रखा था, पर इसमें बहुत चीज़ मैंने ऐड किया, नया नया चीज़। फ्रेंड्स, आप और एक एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैंने यहाँ पे एक हैंडल लगाया था जो मुझे बहुत मुश्किल जा रहा था निकालने में, तो फिर पापा ने यहाँ पे क्या किया, ऐसे सोकुल सा कार्डबोर्ड का मजबूत बना के, फिर इसके ऊपर पापा ने क्या किया, इसके साथ जो कलर अच्छा दिखेगा, मैंने बोला कि पापा येलो कलर ही लगा, तो पापा ने फिर यहाँ पे स्टिक कर दिया, और कुछ ऐसा रिजल्ट हुआ, कितना अच्छा है ना। मैं इसको खोल सकती हूँ, फिर लगा सकती हूँ ऐसा। देन यहाँ पे देखिए, ये आइसक्रीम्स और ये सब चीज़ मैंने इसको अच्छे से पूरा, मेरा आइसक्रीम्स मैंने दिखाया था मेरे वो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये देखो अभी भी आप देख लो, ये मेरा कुछ लॉलीज कैंडीज और ये मेरे आइसक्रीम्स और पॉपस्टिकल्स सब है। यहाँ पे लिखा है आइस, एक्चुअली पापा सोच रहे थे कि मैं इसमें आइस रखूँगी, बट तो भी ये फ्रिज आइटम्स है, फ्रोजन आइटम्स है, तो यहाँ पे आइस लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके चलो, तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ। ठीक है, और ऊपर का काम हो गया, नीचे का काम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नीचे है ना, पापा ने यहाँ पे वेलक्रोम लगाया है और इसको स्क्रू से अच्छे से फिट कर दिया है। एक्चुअली ये बार बार निकल रहा था, तो स्क्रू से ही फिट करना पड़ा, क्योंकि ग्लू गन का जो होता है ना वो टेम्परेरी रहता है, परमानेंट नहीं रहता है। तो ये देखो, और आप कुछ नोटिस करो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे पापा ने क्या लगाई, क्या लगाया सुहानी दीदी आप पूछोगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना हमारा जो फ्रिज, हमने बना के साइड में ऐसे रख दिया बहुत दिनों तक, तो ये ऐसे हो गया था, ऐसे मतलब अच्छे से रह नहीं रहा था सेट होके। और फिर फ्रेंड्स, ऊपर से हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्क्रू लगा के फिट किया, फिर यहाँ से स्क्रू लगा के फिट किया, अच्छे से रैक हमने फिट किया। तो ये रैक कैसे ऐसे हो रहा था, तो मतलब अच्छे से रह ही नहीं रहा था, और ये अब ऐसे रह रहा है, तो ये अच्छे से रह रहा है। ठीक है, और इसमें बहुत हार्ड लगा रखने में, बहुत ही मुश्किल। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी इसको अच्छे से यहाँ पे ऐसे पोजीशन में रख दिया, तो मैं अभी सामान एक बाय एक रखते जाऊँगी। ठीक है, तो अब आता है कि मैं डाउन साइड हमारा जो किचन वेंडर है वहाँ पे क्या रखूँगी मैं, फ्रिज जो वेंडर है तो वहाँ पे रखूँगी मैं कुछ फ्रूट्स। तो अभी फ्रेंड्स, फ्रूट्स आप लग रहा होगा कि आपने, अगर मेरा पहले का जो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो देखा होगा ना, तो आपको लगेगा कि सुहानी ने फ्रूट्स एक अलग अंदाज में रख दिया। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रूट्स कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का बाउल में रखा है। मेरा कॉम्बिनेशन था कि मैं रखूँ कि पिंक एंड ब्लू, यहाँ पे कितने सारे फ्रूट्स हैं देखो, और आगे भी अगर ज़्यादा फ्रूट्स आएंगे तो ये बहुत काम आएगा। और ये देखो, तो फ्रेंड्स, फ्रूट्स वेंडर होते हुए भी मैं इसके अंदर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अच्छे से रहेगा फ्रेश फ्रूट्स, इसको हम लोग सिस्टमेटिक निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे हो जाता है गोलमाल, जैसे गोलमाल मूवी में होता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या देखो,
तो फ्रेंड्स वेजिटेबल्स को एक्चुअली मैंने इसमें रखा था ना, अब मैं इसमें ला चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कितने सारे वेजिटेबल्स हैं, मेरे पास बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। और ये देखो ये कैबेज, फिर ये ऑनियन, फिर ये ब्रोकली, बहुत कुछ, बहुत सारा एक्सेट्रा। तो इसको मैंने अच्छे से एक बाउल में ऐसे रखा है एक बॉक्स में, तो मैं इसको ऐसे रख दूँगी। तो ये अभी मैं इसको अच्छे से डाल देती हूँ अंदर। फ्रेंड्स नाउ अब क्या करें, तो मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी बॉक्सेस थे, लाइक मैं ऐसे आइसक्रीम वो सब चीज़ रखूँ, तो मैंने इसको अच्छे से रख दिया था। मैं अभी निकाल कर यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ एंड लुक एट दिस सो क्यूट ना, ये देखो कितने सारे मेरे पास है। और इसको मुझे अभी यहाँ पे ये वन और ये हमारा टू, इस दोनों में मुझे सेट करके रखना है, और जो बच जाएगा तो देखेंगे और कहाँ रखने का कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग जूस को कंबाइन करेंगे। तो मेरे पास है ओरियो शेक, जो मुझे हमेशा हाइजीन क्या मुझे हमेशा अच्छा रखता है। और ओरियो शेक देखो, ओरियो शेक ऐसे, फिर ये मिक्स जूस और ये क्या है, ये ड्रिंक कोका कोला, और ये भी कुछ मिक्स जूस है। मैं सब जूस को यहाँ पे रख देती हूँ अच्छे से पहले। तो फ्रेंड्स जब मैं सारे चीज़ आपको बोलते जाऊँगी रखते जाऊँगी तो आप बहुत बोर हो जाएंगे, तो अब मैं इसको अच्छे से सजा देती हूँ, बाद में आपको एक एक अच्छे से दिखाऊंगी। अब तो मैंने ये सब चीज़ सजा दी और आपने देख भी लिया, तो अब क्या सजाए। हमारे पास अभी 1, 2, 3 थ्री रैक्स है, और ये सब चीज़ तो थ्री रैक्स के लिए सफिशिएंट है। तो ये आप देख रहे हो ये बॉक्स, ये क्या है, नॉनवेज बॉक्स, मैंने खुद ही बना लिया था एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे कितने सारे नॉनवेज आइटम्स है, हॉट डॉग, क्रैप और फिश, चिकन विंग्स, बहुत कुछ, जो आपको मेरे पैट एंड प्ले कुकिंग वीडियो में, जो कि आपका बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैं जो बनाऊंगी पैट एंड किचन प्ले वीडियो, तो तब आ जाए मैं आपको ये दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी ये नॉनवेज मैं यहाँ पे रख देती हूँ बॉक्स में। तो पहले मैं इसे सिंगल रखी थी ना, अब मैं इस बॉक्स में रख दूंगी तो निकाल पाऊंगी, तो इसलिए मैंने रखा है। तो अब ये देखिए हमारा अंडे का फंडा, जो मुझे कभी समझ ही नहीं आता। फ्रेंड्स मेरे ये मैंने इसको एग रैक बना दिया एक्चुअली। फ्रेंड्स ये कैसा बताऊँ, मम्मी का बहुत ही पुराना आइस क्यूब ट्रे था, बट मेरे पास वो एग रैक मिल ही नहीं रहा था और मामा के पास एक बचा था। अब मैं किचन का थोड़ी ना रियल चीज़ ला के रख दूंगी, तो फ्रेंड्स मैंने ये ला लिया और यहाँ पे रख दिया। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे कुछ और एग बच गए हैं, जो मैं उसको एक्सटर्नली कहाँ पे तो रखूंगी। तो अब मैं इस अंडे को निकाल के दिखाऊंगी, देखो कितना शाइनिंग, कितना अच्छा, और ये उड़न है मतलब बहुत हार्ड क्वालिटी। अब देखो फ्रेंड्स, अरे मेरा अंडा गिर गया, ऑमलेट बन गया। फ्रेंड्स ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि एडिटिंग का कमाल है। एक्चुअली मैंने अंडा यहाँ पे रखा, पर मैंने स्किप करा वीडियो को और बाद में मैंने रख दिया अंडा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं ना बहुत दिन से मुझे ये अंडा चाहिए था, मैं कलर करके रख रही थी, और बाद में ये मेरे पास कुछ ऑमलेट्स है, तो बाद में ऐसे मैं ब्रोक करके ऑमलेट्स को डाल सकती हूँ। ये देखिए और ये मेरा ऑमलेट, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, तुम नीचे क्यों हो, ये देखो। तो और ये वाला अंडा यहाँ पे रख देती हूँ, और बाकी का जो अंडा बच्चा है बाद में देख लेंगे। तो ये देखो मैं यहाँ पे अंडा रख देती हूँ, बिकॉज ये नॉनवेज हमारा रैक है। और सोच रही हूँ कि फ्रेंड्स ये जो बाकी का जो अंडा बचा है ना, मैं यहाँ पे रख देती हूँ और इसके साइड में कुछ ऐसा यहाँ पे, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस रैक को हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे, बिकॉज ये नॉनवेज वाला रैक है, यहाँ पे वेज खाना नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बनाऊँगी स्वीट रैक्स, यहाँ पे मुझे मीठा मीठा खाना मिलेगा। तो ये हमारा स्वीट रैक का मीठा मीठा खाने का फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉल स्मॉल कपकेक्स, यहाँ पे कुछ पैनकेक्स वो सब रखा है देखिए।
तो अब स्वीट्स को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रख दूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, कितना अच्छा दिख रहा है ना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है मेरे पास कुछ केक। मैं इसका एक्चुअली देखिए, इस केक का डेकोरेशन आइटम्स मैंने निकाल के रख दिया है। और ये केक देखिए, और ये मेरे पास वाइट केक है, और ये हमारा पिंक केक है, ये वैनिला फ्लेवर, और ये येलो फ्लेवर। ये देखो येलो फ्लेवर होता है ना, तो मैंने बना दिया। ये देखो, और अब मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ केक्स को। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगी, स्वीट स्वीट डोनट्स इन द वे। टिक टिक टिक। फ्रेंड्स ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डोनट्स एंड बंस, बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ बंस भी रखे हैं जो कि स्वीट बंस है। ये देखो मेरे पास कितने सारे डोनट्स हैं, जिसके टॉपिंग हम एक्चुअली निकाल भी सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये पिंक कलर है ना, मैं इसको निकाल सकती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्मॉल स्मॉल बहुत मिनी मिनी हैंडराइटिंग से लिखा है डोनट्स 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 डोनट्स, और यहाँ पे रेनबो कलर्स में रखे हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको रखूँगी हमारे स्वीट रैक में। नेक्स्ट कम्स इज द केक्स की, मैं केक्स भी रखूँगी। ये हमारा केक है कुछ, तो ये देखो बहुत सारे केक के स्लाइसेस थे, तो कुछ ऐसे रख दूँगी मैं। इसमें वेलक्रोम लग के आया था, पर ये थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं टिका, तो फिर मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, लाइक कि ऐसे केक रख रही हूँ। जो मुझे केक बनाना है तो मैं दो या फिर तीन ऐसे रखूँगी। ये देखो कुछ अनअटैच्ड पार्ट्स है, तो नाउ इट केम्स दैट हमको और ब्रेड रखना है। तो ये देखो ये फ्रेंड्स, ये ब्रेड तो कुक करते समय तो मैं ब्रेड ऐसे कुक करूँगी, और जब मैं इसे फ्लिप करूँगी ना, ये बन चुका होगा हमारा अंडा। ये एक ट्रांजिशन वीडियो है, देखो ये ब्रेड का ट्रांजिशन आपने देखा, फिर अंडा का ट्रांजिशन देखा, आगे मुझे भी पता नहीं कि क्या शायद दिखने को मिलेगा आपको ट्रांजिशन में, है ना। ये देखो, तो इसको मैं नॉनवेज रैक में ही रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है फास्ट फूड रैक, तो मैं फास्ट फूड रैक में क्या रखूँगी, बर्गर, और ये है कुछ बंस, तो इसको मैं फ्राई कर सकती हूँ या फिर इसके साथ मैं कुछ खा सकती हूँ, लाइक वड़ा पाव भी बना सकती हूँ इसे, ठीक है। और ये देखो हमारा ये बर्गर्स, मेरे पास टू बर्गर अभी कलेक्ट हो चुके हैं, आगे जाके मुझे बहुत सारे कलेक्शन चाहिए बर्गर्स के, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं स्वी मतलब मेरा फास्ट फूड रैक को यहाँ पर रख दूँगी नीचे, तो फिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स अच्छे से। तो अब फ्रेंड्स ये हमारा पिज्ज़ा है, तो पिज्ज़ा फ्रेंड्स आप देखोगे, अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन किया था तो मैंने यहाँ पे रखा था, तो फिर आप सोच लोगे कि मैंने तो यहाँ पे रखा था फिर यहाँ पे क्यों ला गया, क्योंकि फ्रेंड्स ये गर्म करने के लिए वहाँ पे होता है, और अगर हम लोग वहाँ पे दो दिन या फिर एक दिन भी रखेंगे ना ऐसे ऐसे छोड़ देंगे, तो ये पूरा बासी हो जाएगा, पूरा बासी और गंदा और स्मेल आने लगेगा, जो आई डोंट लाइक दैट, एंड किसको भी पसंद नहीं आएगा। कौन है ऐसा दुनिया में जो एक दो दिन रखेगा पिज्ज़ा और खाएगा? Are they idiots are eating this? No, never. I'm not going to do this, okay? So, next comes here is the toppings. Toppings, toppings. मैं promote कर रही हूँ मेरे toppings को. Song भी चला दो, मैं कर दूँगी. ठीक है. तो friends मैंने ऐसे ही एक box में रख दिया. ये देखो. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ sweets है. Like ये blue color का sweets. एंड ये कुछ टेक केक के टॉपिंग्स, एंड देन हियर कम्स इज, ये पहले सिक्स था पर इसमें से टू मैंने मेरे किचन रैक के लिए यूज़ किया। देखो ये मेरा किचन रैक, मतलब कितना अच्छा है ना, फ्रिज के साथ मतलब ये भी मिल रहा है देखने के लिए। ये देखो कितना अच्छी बात है, और ऐसे स्वीट सब रखा है मैंने, तो हमारे स्वीट रैक में ये आ जाएगा। नाउ कम्स मेरे पास फ्रेंड्स, मेरे पास सैड हूँ, मेरे पास बस फास्ट फूड में पिज्ज़ा एंड बर्गर ही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं मजाक कर रही थी, नहीं तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे क्या लिखते बताओ, वाई आर यू वेस्टिंग मनी एंड वाई आर यू डूइंग दैट ब्ला ब्ला ऑल दिस थिंग्स दे आर राइटिंग। आई वॉन्ट टू से वन थिंग फ्रेंड्स, कि मेरा जो चैनल है ना उसके ऊपर ही बनाए, उसके ऊपर ही है, मैं उसके ऊपर ही बना रही हूँ, तो आई नीड दिस थिंग्स, ओके? तो मुझे चाहिए तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स, एंड मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये बाद में काम आता है, और मेरे भाई भी खेलता है, मैं खेलती हूँ, एंड मे बी इन द फ्यूचर आई कैन मेक अ गिव अवे ऑफ दिस, मे बी, ओके, मे बी, शायद, ओके, चलो। तो नेक्स्ट कम्स हियर इज द पनीर, एंड सी दिस पनीर, आई मेड इट फ्रॉम सोल, इट सी दिस, लुक एट दिस, सो स्पॉन्जी। तो फ्रेंड्स इसको पहले मैंने आइस बनाया था, और बाद में मैंने इसको बना दिया पनीर। मेरा एक मतलब एक भैया आया था, वो बता रहा था कि ये पनीर है क्या, फिर मेरे माइंड में ऐसा मैं पनीर भी बना सकती हूँ, इट्स रियली, तो मैंने इसको पनीर बना दिया। तो पनीर को मैं कहाँ रखूँ, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे रख दूँ पनीर को, ठीक है, ब्रेड के पास में रख दूँ, एंड देन हियर कम्स इज कि यहाँ पे कुछ मेरे स्लाइम्स जो मैंने पहले से अनबॉक्स करके रखे हैं।
तो ये मैंने इसको मैंने अलग अलग ग्रुप में कंबाइन किया है। ये है मेरे पास कुछ जेली फ्रूट जेलीज, तो मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो वो जिद करने लगेंगे, लाइक मेरी पिंटू, मेरा छोटा सा, वो मैं उसे अपना बेटा भी मानती हूँ, मैं उसे अपना भाई भी मानती हूँ, ठीक है। तो फिर उसको मैं क्या करूँगी, इसे स्वीट स्वीट्स दूंगी, उसे बहुत पसंद है, पर मैं डेली नहीं दूंगी, बिकॉज ईटिंग स्वीट्स कैन डू अ कैविटी इन आवर टूथ, दैट्स व्हाई। ओके, तो मैं कभी कभी खाऊंगी, और ठीक है, ये देखो मैं अभी इसको क्या करूँगी, यहाँ पे रख दूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं बचा कि मैं इसको अलग जगह में रखूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग्स, तो फ्रेंड्स ये तो मैं इसको कुछ खाना भी यूज़ कर सकती हूँ या फिर जूस बना सकती हूँ, एंड ऑल्सो आई कैन यूज फॉर द डेकोरेशंस। ओके, सो एनीवन कैन सी माय फ्रिज एंड सी, वाला इट्स नाइस, यू आर कीपिंग रियली लॉट्स ऑफ आइटम्स एंड इट इज लुकिंग सो नाइस। ओके, तो ये मैं यहाँ पे रख दूंगी, ठीक है, चलो नीचे, और ये बहुत भारी है फ्रेंड्स, सो मैं इसको नीचे रख रही हूँ, ये गिरेगा तो भी नीचे गिरेगा उसका। ओ माई गॉड, बहुत भारी है। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, बहुत भारी है फ्रेंड्स, सच में वो हिल रहा है एकदम, तो मैं इसको नहीं रख सकती, आई कांट टेक रिस्क, नो नेवर। तो फ्रेंड्स एंड दिस कम्स हियर इज द जूसेस। तो मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी आप जो स्लाइम ला रहे हो, एक्चुअली वो स्लाइम 2 दिन में ख़राब हो जाता है, बट नॉट, मैंने इसको खर्चा किया बहुत सारा, और ये हाई क्वालिटी का लिखा था तो इसलिए मैंने मंगाया, जो ख़राब नहीं होगा, इफ मे बी अगर फ्यूचर में ख़राब हो भी गया तो आई हैव अ सोल्यूशन विच इज़ बोरैक्स सोल्यूशन, तो मैं बोरैक्स एक्टिवेटेड डाल के इसको ठीक कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ना बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखती हूँ कि वो ना जूसेस बनाते थे, तो मुझे लगता मैं पापा को बोलती थी पापा देखो ये तो रियल वाला जूस डाल रहे हैं, बट नो दैट इज स्लाइम। तो मैं आपको एक अभी एग्जांपल देती हूँ ग्लास का, बट मैं अभी नहीं बताऊंगी, रहने दो फ्रेंड्स, आपको अभी बताऊंगी तो आप मेरा वीडियो नहीं देखो, मैं किचन प्ले वीडियो में दिखाऊंगी फ्रेंड्स किचन। तो मेरे फ्रेंड्स ये एक दो बार ऐसा हो रहा है कि ये ना मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये पूरा लिक्विड लिक्विड बन जाता है, तो मैं जब बोरैक्स डालती हूँ ना तो ये अच्छा हो जाता है। ओके, नाउ दिस इज जूस, ओके इसको मान लो कि नाउ दिस इज जूस, एंड नाउ आई विल गिव यू, लुक एट दिस, दिस इज नाइस, ये थोड़ा सा हेवी नहीं है, इट्स ठीक ठाक। देन कम्स हियर द जेली, तो मैंने इसको अभी फ्रूट जेली बना दिया है, एंड इसको मैंने इसी बॉक्स में रख दिया, एंड इट लुक्स फैंटास्टिक, एंड लुक एट दिस, आई हैव 6 पीसेज ऑफ द फ्रूट जेलीज, मीन्स यू हैविंग 2 फ्रूट जेलीज, लाइक दिस शेप ऑफ फ्रूट जेलीज एंड विदाउट शेप ऑफ फ्रूट जेलीज। ओके, सो नाउ आई विल गिव हियर, बट फ्रेंड्स यू थिंक लाइक दिस इज वेरी, ये बहुत ही डिफरेंट है ना, लग रहा है बॉक्स रख रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे निकाल के रख देती हूँ, एंड नाउ इट विल लुक नाइस। कवर तुम क्यों निकल जाते हो, ओह माय गॉड, इसको ऐसे रखना है ना बहुत हार्ड हो जाता है, कभी ये रहता ही नहीं अच्छे से, तो अब इसको ऐसे रख देती हूँ। एंड फ्रेंड्स दिस स्लाइम इज रियली नाइस, बिकॉज आई एम नोटिसिंग फ्रॉम मेनी डेज कि स्लाइम ऐसे ही रह रहा है, जो मैं देख रही हूँ ऐसे ही सेम टू सेम रह रहा है, तो दिस स्लाइम इज नाइस, पर ये महंगा भी था तो अच्छा ही होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। तो नाउ द नेक्स्ट कम्स हियर इज माय सम स्लाइम बॉटल्स। ओके, तो ये तो फ्रेंड्स इसको मैं बॉटल्स बना सकती हूँ, लाइक ये मैं ब्लूबेरी जूस, ये हमारा लेमन जूस, और ये वाटर जूस कभी देखा आपने, ये देखो, एंड दिस इज लाइक अ रेड बुल जूस। ओके, ठीक है, तो अब मैं इसको कहाँ रखूँ, तो मैं सोच रही थी, तो बाद में मुझे सोच में आया कि मैं ना इसको ऐसे फ्रूट वाले इसमें रख दूँ तो ये अच्छा भी लगेगा एंड डेकोरेटिव भी लगेगा, इसलिए मैंने इसको फ्रूट्स में इसमें रख दिया, मतलब स्वीट सेक्शन में रख दिया। एंड माय फ्रिजरेटर इज रेडी, रेफ्रिजरेटर इज रेडी, माय फ्रीजर इज रेडी। ओके, दो शब्द में ऐसे बोल सकते हैं, एंड आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। रेफ्रिजरेटर को यानी रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को अच्छे से देख लिया, एंड इग्नोर माई मिस्टेक्स, माई प्रोनाउंसिएशंस, ओके लास्ट में ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का मेरा ये न्यू फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको दिल से खुशी होगा मेरा वीडियो देखने के लिए, एंड आई ऑल्सो हैप्पी कि आपको पसंद आया होगा मेरा आज का वीडियो। तो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको ऐसे क्लिक कर लो, ठीक है, फिर आपका बेल आइकन क्लिक हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑप्शन को भी क्लिक कर दो, तो मेरे न्यू वीडियोस आपके तक जल्दी से ऐसे जाके पहुंच जाएंगे, और मोबाइल में आएगा टिंग।